हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं एजू हब पॉइंट, एक ऐसा चैनल जहां पर मिलती है आपको करियर काउंसलिंग, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, एग्जाम स्ट्रेटजी एंड अदर एजुकेशनल वीडियोस। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक लेकर आया हूं वीडियो। आईआईटी कानपुर ने इंटर्नशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन रिलीज की है। आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आईआईटी कानपुर का जो सर्टिफिकेट होगा आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रहेगा। इसके अलावा जॉब मार्केट में भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने कंप्यूटर साइंस से ही आपने बीटेक किया है या आपका फील्ड जो है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहा है, आप इस क्रेस में शुरू करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सिखाया जाएगा। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं पूरा वीडियो, लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आईआईटी कानपुर जो कि टॉप इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, आईआईटीज में तो सारे ही टॉप इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आईआईटी कानपुर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन, मैं पर्सनली मानता हूँ। बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ पर होती है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छा ये एक तरह से पैकेज है क्योंकि इसकी फीस है। तो वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का ही जमाना है। आगे आने वाले टाइम में जो जॉब होंगी वो बेसिकली इसी से रिलेटेड होंगी। तो आपको इसी के बेसिस पर तैयार किया जाएगा, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में जब आप ग्रेजुएट होकर निकलें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना आए मार्केट में, और आपको हाई डिमांडेड स्किल और हाई पेड सैलरी जॉब आपको इजिली मिल सके। तो दोस्तों, इसके लिए हम बात कर लेते हैं, प्रोग्राम डिजाइन किया है जो आईआईटी कानपुर ने, वो कैसे किया है। तो इसको दो फेज में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला फेज होगा 30 डेज का, वो सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम होगा। तो उस ऑनलाइन प्रोग्राम को 30 डेज का जो प्रोग्राम है उसके लिए आपको 3 मंथ दिए जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी कॉन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम को 30 डे में कभी भी कंप्लीट, 3 मंथ के अंदर 30 डे का प्रोग्राम कभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन उसका कोई भी इन्होंने नहीं रखा है। तो दूसरा, इसमें आपको इट हैज बीन डन टू अकोमोडेट स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल विद डिफरेंट शेड्यूल एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें यह है कि आप स्टूडेंट हैं तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप कोई प्रोफेशनल है तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है। इसके अलावा जो फेज सेकेंड है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन उसको डिसाइड करते हैं तो इसके लिए आपको जो आईआईटी कानपुर वो लाइव सेशन देगा, और इसको आप कभी भी बाद में भी देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो 15 डेज का प्रोग्राम आपको आईआईटी कानपुर में ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रोग्राम है ये इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे। देखो, सबसे पहले आपको इसका एक सर्टिफिकेट प्रीमियर स्टूडेंट मतलब आईआईटी कानपुर से प्रोवाइड कराया जाएगा, और इसमें वो कोर्स आपको कराए जाएंगे जो ट्रेंडिंग है जॉब मार्केट में। आपके पास क्वालिफाइड टीम होगी, मतलब इंस्ट्रक्टर होंगे, एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर जो कि आपके हेल्प के लिए रहेंगे, जो कि आईआईटी से होंगे और किसी इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं। एक्सपर्ट कैरियर गाइडेंस, कैरियर गाइडेंस आपको बहुत बेहतरीन वहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, आपको जो आप ये जो कोर्स करेंगे वहाँ पर वो एक्टिविटी के थ्रू आपको सिखाया जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज वहाँ होंगी, हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आपको प्रोवाइड कराया जाए, उसके बेसिस पर आपको सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रोग्राम कंटेंट है वो क्या है। प्रोग्राम को अलग अलग डिजाइन किया गया है, जैसे कि एआई और आईओटी के लिए अलग डिजाइन किया है। इसके अलावा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के लिए अलग डिवाइड किया है। दोस्तों, इसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, वहां पर आप देखिएगा, जाइएगा और पूरा डिटेल में इसको रीड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जो इसमें जो इंटरनेट ऑफ थिंग का इंट्रोडक्शन है वो ऐसा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इन आईओटी, स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, एप्लीकेशन एंड इंपैक्ट ऑफ आईओटी इन सोसाइटी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो अप्लाइड मशीन है एंड डेटा साइंस है, उसमें आपको पाइथन बेसिक फ्रॉम स्क्रैच, पाइथन जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर साइंस में, उसको आपको स्क्रैच से मतलब शुरू से ही सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका कोई बेसिक आपको पहले से आपके पास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा एसेंशियल पाइथन लाइब्रेरीज और बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस आपको वहाँ पर कराई जाएगी। तो दोस्तों, इसके अलावा जो करियर सर्विसेज आपको जो इसमें मिल सकती हैं, क्या फायदा हुआ करियर में आगे वो मैं बता देता हूँ। क्रिएटिव सक्सेसफुल जॉब सर्च स्ट्रेटजी, क्रिएटिव पावरफुल गिटहब प्रोफाइल ऑफ प्रोजेक्ट, बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क डेटा साइंस एंड आईओटी, फाइंड द राइट जॉब टाइटल्स एंड कंपनीज। अब आपने आईओटी और वहाँ पर जाकर वर्कशॉप अटेंड कर लिया, अब आपको पता ही नहीं है कि किस कंपनीज में इससे रिलेटेड वर्क होते हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर बताई जाएंगी कि आप जॉब सर्च कैसे कर सकते हैं, इसके रिलेटेड करियर गाइडेंस भी आपको वहाँ पर दिया जाएगा। जॉब इंटरव्यू के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाए, तैयार किया जाएगा। नेगोशिएट योर सैलरी, सैलरी को आप नेगोशिएट कैसे करें, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। तो बेहतरीन प्रोग्राम आपके लिए साबित होने वाला है दोस्तों,
अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका कैलेंडर है बता देता हूँ, जो स्टार्टिंग डेट रहेगी इस प्रोग्राम की मार्च 1, 2020 रहेगी, जो ऑनलाइन प्रोग्राम है 30 डेज का, ठीक है, AI एंड IOT के लिए। और इसकी जो एंड डेट है वो June 2, 2020 रहेगी। इस ड्यूरेशन में आप कभी भी वो 30 डे का प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, मोड ऑनलाइन ही है। और जो 15 डे एडवांस ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम इसके बाद रहने वाला है वो June 2, 2020 से June 16, 2020 रहेगा, ऑनलाइन या इन कैंपस। उसमें कोई भी आपको टाइम नहीं दिया जाएगा, 15 डेज का टाइम है, उसमें आप ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें या आपके ऊपर है। अप्लाइड मशीन लर्निंग डेटा साइंस की जो डेट है वो भी उसमें थोड़ा सा चेंजेस है बता देता हूँ। 30 डेज की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो रहेगी March 1, 2020 से 16 June 2020 ऑनलाइन। कभी भी 30 डे का प्रोग्राम आप कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में। और 15 डेज जो एडवांस ट्रेनिंग इंटर्नशिप है वो June 19, 2020 से July 3, 2020 रहेगी, 15 डेज। उसमें आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन ये करना पड़ेगा। और इसके बाद इसकी कुछ प्राइसिंग रखी गई है, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन टू फॉर स्टूडेंट्स के लिए प्राइस अलग है, और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए प्राइस अलग है। और ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनल के लिए प्राइस ज़्यादा है और स्टूडेंट्स के लिए प्राइस कम है, लेकिन प्राइस कोई मैटर नहीं करती। अगर आप करना चाहते हैं, इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास रहने वाला है। तो 45 डेज ड्यूरेशन के लिए AI IoT और मशीन लर्निंग डेटा साइंस, मतलब बहुत चारों कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो 35,400 रुपीज़ रहने वाली है, और ये फीस प्रोफेशनल के लिए रहने वाली है 53,100 रुपीज़। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, कुछ नोट भी इन्होंने दिए हैं, जैसे कि जो फीस होगी ये नॉन रिफंडेबल है, आप वापस नहीं ले सकते। और आपके लिए जो 15 डे जो आप प्रोग्राम करेंगे ऑफलाइन, उसमें आपको IIT कानपुर में अकोमोडेशन और फैसिलिटी, फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, बट वी कैन ओनली अकोमोडेट ए फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स के लिए ये अकोमोडेशन अवेलेबल हो सकता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऐसे इस बेसिस पर इनको इन्होंने ये अनाउंस किया है कि आप पहले अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आपको पहले मिलेगा, अगर बाद में सीट खाली नहीं रही तो आपके लिए फूड और अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और रजिस्ट्रेशन जो शुरू होंगे, मैंने बता दिया March 1, 2020 इसकी लास्ट डेट रहेगी, अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। मेक पेमेंट आप SBI क्लर्क के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों अप्लाई कीजिए, बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस IoT डेटा लर्निंग इसके लिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।